कब यूज़ करते हैं लाइक वट इज़ द पर्पज़ ऑफ़ टाइम जैसे हम सुबह यानी मॉर्निंग टाइम में सो के उठते हैं फिर हम मॉर्निंग टाइम में स्कूल जाते हैं फिर हम आफ्टरनून में घर वापस आते हैं इवनिंग टाइम में हम बाहर प्ले के लिए जाते हैं और नाइट टाइम में हम सो जाते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि हमें एग्जैक्ट टाइम का भी पता होता है कि इस टाइम में यानी द डे ऑफ द टाइम वट इज द डे ऑफ द टाइम और वो हमें पता कैसे चलता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्लॉक को आप सबने यकीन अपने अपने घरों में क्लॉक्स देखे होंगे जो वॉल पे होते हैं और वो हमें टाइम बताते हैं तो इस वीडियो में भी हम टाइम के बारे में सीखने वाले हैं क्लॉक के थ्रू तो चलिए स्टार्ट करते हैं सो इज फॉर नंबर 85 और हमारा टॉपिक है टाइम जैसे कि हम पहले भी बात रहे थे कि क्लॉक हमें टाइम को रीड करने में हेल्प करता है यानी क्लॉक हमें बताता है कि व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ द डे ठीक है अब आप ये देखें ये जो है ये हमारा क्लॉक है उस पर हमें कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं और, और कुछ ये हैंड्स यानी कुछ इनको बोलते हैं हैंड्स ऑफ द क्लॉक सबसे पहले देखें द नंबर्स शो द टाइम ये जो नंबर्स हैं इनसे हमें क्या पता चलता है टाइम का पता चलता है द शॉर्ट हैंड शोज द आवर्स दिस इज़ योर शॉर्ट हैंड ये आपको नज़र आ रहा है जो फाइव पे है दिस इज़ योर शॉर्ट हैंड द लॉन्ग हैंड शोज़ द मिनट्स और ये जो ट्वेल्व पे है दिस इज योर लॉन्ग हैंड इसको हम बिग हैंड और स्मॉल हैंड भी बोलते हैं लॉन्ग हैंड और शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं अब इस क्लॉक पे आप देखें द टाइम इज़ फाइव ओ क्लॉक क्योंकि वेन द बिग हैंड इज़ ऑन नंबर ट्वेल्व एंड द स्मॉल हैंड इज ऑन एनी नंबर यानी स्मॉल हैंड आपको किसी भी नंबर पर नजर आए तो वो ओ क्लॉक कहलाता है जैसे कि इस क्लॉक में वट इज ओ क्लॉक ठीक है अब आप इस क्लॉक को देखें बिग हैंड इज ऑन नंबर ट्वेल्व ठीक है दिस इज द फर्स्ट रूल उसके बाद आपने देखना है वेयर इज द स्मॉल हैंड लाइक वेयर इज द शॉर्ट हैंड शॉर्ट हैंड इज ऑन नंबर वन सो दाइम इज वन ओ क्लॉक वट इज द टाइम वन ओ क्लॉक अब आप इस क्लॉक में देखें बिग हैंड और द लॉन्ग हैंड इज ऑन 12 एंड शॉर्ट हैंड इज ऑन 3 सो द टाइम इज 3:00 क्लॉक इजी है आप इस वाले क्लॉक में देखिए लॉन्ग हैंड इज ऑन 12 एंड शॉर्ट हैंड इज ऑन 6 सो द टाइम इज 6:00 क्लॉक लास्ट वाले क्लॉक में देखें द बिग हैंड और द लॉन्ग हैंड इज ऑन 12 एंड द शॉर्ट हैंड इज ऑन इलेवन जरा जल्दी से बताएं कि क्या टाइम है दट राइट इलेवन ओ क्लॉक सो वट इज द टाइम इलेवन ओ क्लॉक सो देर इज अट फॉर द टीचर्स शो द स्टूडेंट टाइम ऑन द क्लॉक ओके वी हैव फॉन जोन ऑन पेज नंबर एटी सिक्स और फन जोन में हम क्या करने वाले हैं राइट द टाइम आप देखिए आपके सामने काफी सारे आपको क्लॉक्स नजर आ रहे हैं और हमने उनका टाइम रीड करना है जो कि आपको पता है जब बिग हैंड ट्वेल्व पे होगा और जो शॉर्ट हैंड है या स्मॉल हैंड है वो किसी भी नंबर पे आपको नजर आएगा तो वो ओ क्लॉक बन जाएगा द फर्स्ट वन ये देखें लॉन्ग हैंड इज ऑन ट्वेल्व एंड शॉर्ट हैंड इज ऑन थ्री सो द टाइम इज थ्री ओ क्लॉक आप सेकेंड पे देखें बिग हैंड ऑन ट्वेल्व

Next clock, me the short hand is on number one. That means it's one o'clock. What is the time? One o'clock. Next, the shorthand short hand is on number ten. So the answer is ten o'clock. Up next clock, me where is the small hand? It's on eleven. So that means it's eleven. क्लॉक और नेक्स्ट में देखें वेयर इज द स्मॉल हैंड ऑन नंबर सेवन सो ये है सेवन ओ क्लॉक और उसके बाद आप देखेंगे वेयर इज द स्मॉल हैंड ऑन द लास्ट क्लॉक ऑन नंबर नाइन तो दैट मीन्स ये है नाइन ओ क्लॉक नाइन ओ क्लॉक जी बच्चों ये वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है आपने अपने वॉल क्लॉक को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है ऑल डे आपने ये देखना है कि जब बिग हैंड ट्वेल्व पर जाएगा और स्मॉल हैंड किसी नंबर पे होगा तो आपने अपने घर वालों को वो वाला टाइम यानी ओ क्लॉक बताना है जैसे कि आप अभी सोचें अपने क्लॉक में देखें और देखें कि क्या टाइम है वेदर इट्स एट ओ क्लॉक नाइन ओ क्लॉक मे बी ट्वेल्व ओ क्लॉक और मे बी टू ओ क्लॉक Thank you so much for watching the video al -hafiz.